वेलकम स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीरीज़ में आज हम टॉपिक कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीज़न। इन्वेस्टमेंट डिसीज़न बेसिकली क्या होता है? एक तरीके से हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस यानी कि जब भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं मनी को, तो स्टॉक के अंदर या फिर सिक्योरिटी के अंदर हमको एक रिस्क का यहाँ पे डर रहता है, एक रिस्क रहता है। हमें पता रहता है कि यहाँ लॉस हो सकता है। हम जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हमें वो रिटर्न मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या हमें उसके अंदर जिस स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या उसका कुछ फ़ायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा, या हम उस स्टॉक को ख़रीद के लॉस में चल जाएंगे। तो इसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए इन्वेस्टमेंट एनालिसिस होता है। ये बेसिकली अलग अलग तरीके से होता है। इसमें इन्वेस्टमेंट करते टाइम पर एनालाइज करा जाता है कि हम कौन से ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन से एक ऐसे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे हमें अच्छा रिटर्न मिल सके। सो इन्वेस्टर्स इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, इसमें कुछ एनालिसिस करते हैं, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इस तरीके का एनालाइज करता है। जब भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है तो इन डिसीजन टूल का सपोर्ट करके इन्वेस्टर रिस्क को एनालाइज करता है कि कौन से स्टॉक में, कौन से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रिस्क ज़्यादा है, किसमें रिटर्न कम है, किसमें रिटर्न ज़्यादा है। इस चीज़ को यहाँ पर देखकर एक मैं सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न को देखता है कि अगर मुझे दो ऑप्शन है, अगर हमारे पास ए और बी, और ए में रिटर्न अच्छा है और बी में रिटर्न कम है, तो मुझे ए में इन्वेस्ट करना चाहिए, या बी में रिटर्न अच्छा है, ए में रिटर्न कम है, तो बी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से इन्वेस्टर क्या करता है, कॉमनली इन्वेस्टमेंट एनालाइज करता है और फिर एनालाइज करके डिसीजन लेता है। इसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हमेशा ही इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग होता है और रिटर्न को गेट करने के लिए, अच्छे रिटर्न को गेट करने के लिए एनालिसिस करता है, जिसमें हमने पहले भी पढ़ा है कि एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के और कंपनी के जितने भी फंडामेंटल बिजनेस फैक्टर है, इंटरेस्ट रेट है, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, उन सब चीज़ों को फाइनेंशियल मार्केट में देखा जाता है। टेक्निकल एनालिसिस भी करता है, जिसमें कंपनी के सारी चीज़ें, जिसमें प्राइस का ट्रेंड, पास्ट प्राइस क्या थी, प्रेजेंट प्राइस क्या है, मार्केट डेटा क्या है, प्राइस का जो चेंजेस आ रहा है उस चीज़ को यहाँ पे देखता है। तो उस चीज़ को देखकर तब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दोनों एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इन्वेस्टर कॉमनली परफॉर्म इन्वेस्टमेंट एनालिसिस बाय मेकिंग यूज ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस एंड गट फील। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर ऑफन सपोर्टेड बाय डिसीजन टूल। ये डिसीजन टूल का यूज़ करके डिसीजन लेता है। द पोर्टफोलियो थ्योरी इज ऑफन अप्लाइड टू हेल्प द इन्वेस्टर टू अचीव अ सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न कम्पेयर टू द रिस्क टेकन। और यही जो पोर्टफोलियो थ्योरी है, ये हेल्प करती है एक तरीके से रिटर्न गेट करने में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर को ये जानना कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। अगर ये जाने बिना वो इन्वेस्टमेंट करता है तो एक तरीके से उसकी जो रिटर्न है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो पाती है, वो गलत जगह इन्वेस्ट करके बाद में लॉस को ही गेट करता है। तो एक रिस्क को एनालाइज करना, एक रिटर्न को एनालाइज करना इन्वेस्टमेंट करते टाइम, और उस एनालाइज करने के बाद इन्वेस्टमेंट करना, ये एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। तो आज के वीडियो में हमने टॉपिक कवर करा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट वीडियो में हम सिक्योरिटी एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के और भी टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।